एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो NCVAM में एडमिशन के लिए अब रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई कर गए हैं, एंड जैसे वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर 504 गेटवे टाइम आउट लिखा गया है। तो उसका रीज़न क्या है, कैसे आप इस दिक्कत को हल कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में हम मेनली यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ऐसे 504 गेटवे टाइम आउट लिखा गया, तो इसका रीज़न क्या है, क्या कर सकते हैं आपकी ये दिक्कत सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो मैं ये वीडियो में आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये प्रॉब्लम मेनली तब आती है जब सर्वर डाउन हो जाता है, एंड आपको पता ही है ऐसी जो सोशल साइट्स होती हैं इनमें ऐसी छोटी मोटी दिक्कत आती ही रहती है। मेनली सर्वर डाउन तब होता है जब एक ही टाइम पर बहुत सारे लोग उस वेबसाइट को चलाएं। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता ही है NCVAM में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, एंड रजिस्ट्रेशन करने वालों की तो और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो CUET का एग्ज़ाम दे चुके हैं वो भी NCVAM का फॉर्म फिल करते हैं एक सिक्योरिटी के तौर पर, कि अगर CUET में उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो NCVAM से एडमिशन ले लेंगे, इसलिए वो NCVAM का भी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से NCVAM में रजिस्ट्रेशन काफ़ी बड़ी संख्या में होते हैं। ठीक है, तो कई बार होता है सर्वर डाउन हो जाते हैं, तो ज़्यादा घबराने वाली प्रॉब्लम नहीं है ये। अगर सर्वर डाउन आपके में शो होगा ये, तो ये दिक्कत कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। ठीक है, एक दो दिन में ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। फिर भी आपको अगर ये दिक्कत दिखती है तो आप साइबर कैफ़े पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेनली आप अगर कंप्यूटर से या लैपटॉप से अपना ये रजिस्ट्रेशन करते हैं NCVAM का, तो आप रिफ़्रेश कर लीजिएगा कंप्यूटर को। ठीक है, F5 का जो ऑप्शन होता है, की होती है कीबोर्ड में F5, उससे रिफ़्रेश हो जाता है। तो रिफ़्रेश करने से काफ़ी बार जो ये दिक्कत है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर से कर गए हैं तब बता रही हूँ मैं, अगर आप खुद के फ़ोन से कर गए हैं ये, तो अपने फ़ोन में भी पहले जितने भी एप्लीकेशंस ओपन हैं उन सबको बंद करके फ़ोन को रिफ़्रेश कर लीजिएगा, एंड उसके बाद आप दोबारा ट्राई कीजिएगा। अगर गूगल पर आप इस साइट पर जाते हैं, गूगल से इस साइट पर जाते हैं तो ये प्रॉब्लम शो गई है, तो आप दूसरे ब्राउज़र्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्रोम से भी आप इस साइट पर जा सकते हैं। ठीक है, क्रोम पर जाकर ncvab.admission.uod.ac.in की साइट पर आप जाइएगा, एंड वहाँ से आप फिर से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एक दो दिन बाद तो हो सकता है आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्योंकि मेनली ये जो सर्वर डाउन की प्रॉब्लम है ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है, तो आप इस टेंशन में मत रहिए। जैसे कई स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी टेंशन हो गई है कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, एंड कहीं लास्ट डेट निकल ना जाए, तो ऐसी बात नहीं है। अभी फ़िलहाल लास्ट डेट 30 जुलाई है रजिस्ट्रेशन की, बट ये माना जा रहा है कि इन फ्यूचर ये डेट एक्सटेंड होगी आपकी। ठीक है, क्योंकि अभी सोल के भी एडमिशन चल गए हैं, एंड जब तक सोल के एडमिशन चलते हैं तब तक NCVAM के चलते हैं, तो सोल की जो डेट है वो भी एक्सटेंड होती है एडमिशन की, तो NCVAM की भी जाहिर सी बात है रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो अभी 30 जुलाई है रजिस्ट्रेशन की डेट, अभी भी काफ़ी टाइम है आपके पास। ठीक है, आप 2-4 दिन बाद फिर से ट्राई कीजिएगा, तो ये दिक्कत आपकी सॉल्व हो जाएगी सर्वर डाउन की। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होती है तो आप साइबर कैफ़े पर जाकर फॉर्म फिल करवा लीजिएगा। ठीक है, तो आपकी ये दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी यूज़फुल लगी। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स की टेंशन दूर हो गई होगी ये वीडियो देखकर। तो ऐसी NCVAM से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी फ़र्स्ट कट ऑफ जब आएगी तब भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी फ़िलहाल फ़र्स्ट कट ऑफ आने में काफ़ी टाइम है, जब तक रजिस्ट्रेशन की डेट चले नहीं जाती तब तक आपकी फ़र्स्ट कट ऑफ नहीं आएगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने के बाद ही फ़र्स्ट कट ऑफ आएगी, तो हम इसी चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।